आझाद नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रूट मार्चचे आयोजन आझाद नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून सहाय्यक पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील भागात आगामी सण उत्सवांच्या काळात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या रूट मार्च आयोजन करण्यात आले होते। धुळे शहरातील बारापत्तर चौकापासून या रूट मार्चला सुरुवात करण्यात आली होती। हे रूट मार्च भंगार बाजार मार्गे तिरंगा चौक, भोला बाजार, मौलवीगंज, माधवपुरा तसेच मछली बाजार मार्गे आझादनगर पोलीस स्टेशन परिसरात या रूट मार्चचा समारोप करण्यात आला। हे रूट मार्च सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच आझादनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद पाटील यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आले होते। या रूट मार्च मध्ये आझादनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी तसेच होमगार्ड मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांची रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। हमने धुले सिटी में जो हम एक इनिशिएटिव शुरू किया, इसका जनरली ये ऐसा न्यू इनिशिएटिव नहीं है, बट ये पुराना इनिशिएटिव है, उसको फूड पेट्रोलिंग बोलते थे। तो हम हर पुलिस स्टेशन के अंडर जो वीक में दो दिन या तीन दिन फूड पेट्रोलिंग चालू करने का अभी से शुरू किया है। कल हम चालीसगांव रोड की पुलिस स्टेशन के अंडर किया है, आज आज़ाद नगर की पुलिस स्टेशन के अंडर किया है। तो उसका मेन पर्पस ये है कि फूड पेट्रोलिंग का मेन पर्पस होता है कि लोगों में पुलिस का विजिबिलिटी दिखाना, एरिया डोमिनेशन का भी यूज़फुल रहता है। तो ये हम धुले सिटी में जब तक सेंसिटिव रहता है तब तक हम फूड पेट्रोलिंग करने वाला है, एंड ये हम एक परमानेंट फ्यूचर की तरह करने वाला है। फूड पेट्रोलिंग की तरह कभी भी कुछ आपको दिक्कतें आता है, समस्या आता है, हमारे साथ आप भी आके शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।